हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऋषिकेश टू बद्रीनाथ राइड। भीड़ देख रहे हैं, इसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस मिलने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ एक ट्रैफिक ही एक चैलेंज था, लेकिन अब जो चैलेंजेस मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, और उनके लिए भी हम तैयार हैं। और गाइस, ये लोकेशन देखो जहाँ हम लोग रुके हुए थे, मतलब सामने से ही गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं। और वो रहा हमारा रूम जहाँ हम लोग रुके हुए थे। और अगर आप यहाँ अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर स्कूटी और बाइक्स वगैरह रेंट कर सकते हैं। अब हम निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड ऋषिकेश टू बद्रीनाथ। यार सुबह के 8 या 9 बज रहे होंगे, हमें देरी हो गई है निकलने के लिए। बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते हमें पक्का रात हो जाएगी। गाइस, एक बात जरूर आप लोग नोट कर लो, जब भी कहीं घूमने निकलो तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में ही उठकर निकल जाओ, वरना आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर सकते हो। और यार अब ये बताओ, किसे मज़ा नहीं आएगा ऐसी जगह पे राइड करने में जहाँ सामने इतनी खूबसूरत व्यू दिखे। इसलिए तो ऋषिकेश इतना फेमस है। जो आप बगल में जीप्स वगैरह देख रहे हो जिनके ऊपर बोट्स लोडेड हैं, ये सब आपको लेके जाएंगे राफ्टिंग कराने के लिए। और ये बेस्ट टाइम है राफ्टिंग वगैरह जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी भीड़ नहीं मिलने वाली है और प्राइजेस भी लो रहेंगे। बाकी यार रोड्स देखो यहाँ पे कितनी अच्छी है। अपने यहाँ इतनी अच्छी रोड्स नहीं होती है, अपने यहाँ कहीं तो नाली खुदी हुई है या फिर पाइपलाइन डालना भूल गया है तो ऊपर खबर रोड ही रहती है। यहाँ देखो रोड कितनी सही है, और अगल बगल से पेड़ वगैरह भी निकल रहे हैं तो क्या मस्त लग रही है। गाइस वो देखो सामने अब सूरज निकलने वाला है, लेकिन सूरज निकलने से पहले मेरे आंसू निकल आते हैं, क्या करूं, ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है तो थोड़ा भावुक हो गया हूं। चल झूठा। तो चलो गाइस आज का रूट समझ लेते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, जो कि है 285 किलोमीटर की डिस्टेंस, और जिसमें हमें लगने वाले हैं पूरे 8 से 10 घंटे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ों में ऐसा ही होता है। पेट्रोल हमने रात में ही टैंक फुल करा लिया था, और जरूरत पड़ी तो रास्ते में काफी पेट्रोल पंप पड़ते हैं तो पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अब हमारा फर्स्ट स्टॉप जो पड़ने वाला है वो है देवप्रयाग। ठंड लगन लगेगा भैया।
वाह यार ये देखो सूर्य महाराज भी निकल आए हैं और निकल कर मैजिक सा कर दिया है यार। क्या ये ब्यूटीफुल व्यू निकल कर आ रहा है। बट भाई अगर आप साइड में गौर करोगे तो यहाँ लैंडस्लाइड भी हो चुकी है, इसलिए भाई हमने अपनी वीडियो का जो टाइटल है वो रखा है डेंजरस बट ब्यूटीफुल। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन बद्रीनाथ 263 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब है हम अभी तक लगभग 20 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं, क्योंकि यार इन रोड्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं, इसलिए हम स्लो एंड स्टडी राइड करना प्रेफर करते हैं। और ये देखो यहाँ पर पहाड़ों पर फेंसिंग की हुई है, वहाँ देखो ऊपर ऊपर तक की हुई है, जिससे अगर कोई पत्थर वगैरह उस तरफ से गिरे तो वो रोड तक आने से पहले वहीं रुक जाए। बाकी यार ये पता नहीं कौन सी लोकेशन है, यहाँ पर राफ्टिंग वाली गाड़ियाँ काफ़ी दिख रही हैं, तो यहाँ से राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, लेकिन हमें अभी भूख नहीं लगी है इसलिए हम चलते हैं आगे। और यार रोड्स तो काफ़ी सही हैं, मतलब ज़्यादा ऑफ रोड टाइप नहीं है, बीच बीच में ऐसे रोड्स हैं, बाकी आगे काफ़ी ऑफ रोड मिलने वाला है। जैसे जैसे बद्रीनाथ पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। और भाई अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ मैं अपने ट्रिप से रिलेटेड अपडेट्स करता रहता हूँ। भाई इसको देखो यार क्या पैशन चला रहा है यार, मजा आ गया इसको देखकर। वो देखो सामने क्या मस्त व्यू निकल के आ रहा है, लग रहा है ना एकदम चका। और ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा पत्थर लिखा हुआ है, गैस करो कहाँ से आया होगा ये भाई, ये पत्थर ऊपर से ही आया होगा, बट आई होप के किसी को ऊपर ना पहुंचाया इसने बस। और ये देखो भाई कैसे पहाड़ के बीच से रोड निकाली गई है,
काफी फैशनेटिंग लगता है देखने में भाई। एक फोटो यहाँ हो जाती ना तो भाई मजा ही आ रहा था, लेकिन भाई हम लोग लेट हो रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं रुके यहाँ पर। ये व्यू देखो यार, यहाँ तो फोटो बनती है, ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर आ गए। गाड़ी रोको यार भैया, गाड़ी रोको, यहाँ तो फोटो बनती है। और यार ये मेरे साथ हर बारी हर ट्रिप पर होता है, मैं सबकी फोटो बढ़िया बढ़िया खींचता हूँ लेकिन मेरी कोई फोटो अच्छी नहीं खींचता है। अब ये भैया ने फोटो क्लिक तो की लेकिन मेन अट्रैक्शन बादल, बादल तो दिखाई नहीं। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दिस वन इज प्रीटी कूल बाय द वे। जब हम यहाँ पे रुके गए थे तो हमने इसी ढाबे पर ऑर्डर दे दिया आलू के पराठों का, बस बढ़िया यहाँ बैठो और व्यू एंजॉय करते हुए खाओ आलू के पराठे। वो खड़ी है हमारी हिमालयन, अभी जल्दी से हम लोग पराठे खत्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो देखो सीनरी, सामने पेंटिंग बनाई हुई है किसी ने। देखो भाई ये लो भैया, वो देखो सामने आ गए हम अपने पहले टॉप पर। वो देखो सामने ही दिख रहा है देवप्रयाग। संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत है भैया, स्वागत है। धन्यवाद। अब यहाँ से देवप्रयाग से जो बद्रीनाथ की डिस्टेंस है वो रह जाती है 227 किलोमीटर्स। और यहाँ देख देवप्रयाग पर भी आपको एक पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा। तो भाई अभी हम आ गए हैं देवप्रयाग, थोड़ा गाड़ी साइड में लगा दें और फिर हम आपको बताते हैं इस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसा कि ये बात तो लगभग सभी को मालूम होगी कि देवप्रयाग गंगा मैया की बर्थ प्लेस है, यानी कि गंगा मैया का जन्म यहीं से होता है। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है जिसमें दूसरी सफेद भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और मटमैली सी अलकनंदा जो तटोबंध ग्लेशियर से आती है। हालांकि ये एक ही ग्लेशियर के दो किनारे हैं, एक से भागीरथी निकलती है और दूसरी तरफ से अलकनंदा निकलती है और यहाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती है और एक रिवर बन जाती है जिसका नाम पड़ता है गंगा।
है ना ये इंटरेस्टिंग बात। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, 1950 में जो लोग चार धाम की यात्रा पर निकलते थे तो केदारनाथ की यात्रा करने के लिए यहीं से पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि तब रोड जो थे वो देवप्रयाग तक ही थे, मतलब भाई 150 से 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो भाई कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आपको पता चलेगा रियल बाइक एडवेंचर क्या होता है। तो बने रहिए चैनल पर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया यार, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है यार, सब्सक्राइब करो यार।